हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोवेटर। आज के इस वीडियो में दोबारा से खेलने जा रहे हैं जीटीए 4। और फ्रेंड्स, आपने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि हमने एक की कार चुराई थी एयरपोर्ट से, और फ्रेंड्स वो कार को हम अपने घर पे ले आए थे और कुछ डैमेज हो गई थी क्योंकि पुलिस वाले पीछा पड़ गए थे, तो हम रोमन की कार सर्विस के पास जाके उसको ठीक करवा लिया था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये कार वही है जिसको हमने चुराया था एयरपोर्ट से। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे को इस कार का कलर भी चेंज करवाना, और इसका नंबर तो हमने चेंज करवा लिया लेकिन इसका जो कलर है वो हमने चेंज नहीं करवाया था। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रहा हूँ रोमन के पास इसी सिलसिले में बात करने के लिए, तो फटाफट से रोमन के पास चलते हैं और फ्रेंड्स देखते हैं वो क्या कहता है। और फ्रेंड्स, ये कलर सिर्फ है जो कि हमें लगता है कि पकड़वा दे सकता है कि हमने ये कार उसी की है, उसी बंदे की, यही वजह से हमें जल्दी से जल्दी जो भी कार है उसका कलर चेंज करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, रोमन के पास जाएंगे और देखते हैं वो कार चेंज कर कलर चेंज कर पाता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए रोमन के फास्ट कार सर्विस के पास। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहुँचते ही के लिए मैं रोमन से थोड़ी बात कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स, रोमन ने मेरे को ये कहा कि यहाँ पे वो मतलब एक ही पेंट की दुकान है, मतलब कार पेंट करता है, तो उसके सर्विस सेंटर पे जाके हमें उस कार का कलर चेंज करवाना होगा। तो रास्ते में मेरी गाड़ी आ गई थी जिसको मैं लेके आया था, तो इसको साइड में पार्क कर देते हैं, फिर चलते हैं आगे की साइड। और यहाँ पे ये देख सकते हो बिल्कुल पार्क में, कहाँ करूँ, कोई पार्किंग की जगह तो नहीं है, मेरे को ऐसे ही कहीं भी पार्क करना होगा मेरे ख्याल से, तो मैं यहीं पे पार्क कर देता हूँ, यही ठीक होगा शायद। यहाँ से कोई लेके भाग ना जाए क्योंकि फ्रेंड्स मेरी जो कार है ये, इसको आपको पता होगा कि ये भी मैंने किसी की डिगा के रख रखी है, तो ये खो जाए कोई गम नहीं है क्योंकि इसकी तो की वगैरह भी नहीं है, हम तो ऐसे जुगाड़ से चढ़ाते हैं, बिल्कुल तार चिपकाया और चलने लगता है। और फ्रेंड्स, ये जो रोमन की कार है हमेशा ब्लैक होती है, इस वजह से इसे मैं रख नहीं सकता क्योंकि ब्लैक कार उतनी अच्छी मेरे को लगती नहीं है। तो यहाँ पर मेरे को जाना होगा फटाफट से उस बंदे के पास, उससे थोड़ी बात करनी होगी, फिर देखते हैं वो क्या कहता है। और यहाँ पे देख सकते हो रात हो गई है। और फ्रेंड्स, इस गेम में ऐसा लगता है हमेशा रात ही हो रखा है, थोड़ा अजीब है लेकिन ठीक ठाक ही है। तो हमें यहाँ पे से बिल्कुल सीधा जाना है क्योंकि आप देख सकते हो गूगल पे गूगल मार्क हमने लगा रखा है। तो फटाफट से चलते हैं उससे बात करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल उसके लोकेशन पे, जो लोकेशन रोमन ने दी है, वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने गाड़ी के नीचे ठोक दिया। और फ्रेंड्स, स्पीड देखो क्या गदर ही भगाता हूँ मैं, और गदर भगाने के चक्कर में गाड़ी कुछ ज़्यादा ही टूट फूट जाती है। और फ्रेंड्स, आप इसका देख सकते हो इंडिकेटर लग रहा होगा कि एक बंद कर रखा है लेकिन ऐसा नहीं है, एक टूट गया इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पे वो बंदा रहता है। और फ्रेंड्स, यही वो बिल्डिंग है जिसके अंदर वो बंदा रहता है, तो मैंने उसे हॉर्न बजा के बुला लिया है और रोमन ने उसे कॉल कर दिया था कि मैं आने वाला हूँ निक्को नाम से, आपको तो पता होगा मेरा नाम निक्को ही है। तो इसके अंदर उसने बता दिया कि आने वाला है, तो उसके साथ जाके जो भी उसकी कार है उसको पेंट कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मार्क लगा लेता हूँ कि हमें जाना कहाँ पे है, क्योंकि जो इसका पेंट वाला जो भी शॉप है वो थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ पे मेरे को जाके जाना होगा, तो मार्क तो लगाना ही पड़ेगा। तो और फ्रेंड्स, अभी बच गया बिल्कुल, वरना एक हेडलाइट और उठ जाती और अंधेरा से छा जाता हमारे जीवन में। तो फटाफट से चलते हैं, वो तो यही बताएगा फ्रेंड्स हमें कहाँ पता कि हमें कहाँ जाना है, बस हमें जो गूगल इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको हमें फॉलो करते हुए वहाँ पे पहुँचना है। और फ्रेंड्स, ये कार भी काफ़ी सही है, लेकिन फ्रेंड्स एक कार मैं ऐसी सोच रहा हूँ जिसकी जो ऊपर की ये जो ऊपर क्या क्या लगा हुआ है ये होगा नहीं, शीशा शीशा लगा होगा, मतलब पता नहीं क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। और फ्रेंड्स, मेरे को आपको गाड़ी मेरी गाड़ी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। BMP 600 कैसी गाड़ी है आप कमेंट में ज़रूर बताना बिल्कुल। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी ड्राइविंग सी अपनी इम्प्रूव कर ली और फ्रेंड्स मैं थोड़ा आगे ही निकल गया, इसको थोड़ा सा ब्रेक मारते हैं। और फ्रेंड्स, इस कार को देखो बिल्कुल ब्रेक मारने के बाद कहाँ आके रुकी है, मान लो अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना हो फिर तो फ्रेंड्स वो जिसको लिए हम रोक रहे हो बंदा तो उड़ के कब का चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें कार का कलर चेंज करवाना है, तो मेरे ख्याल से पीछे रहेगा वो तो ये गली में, मुझे लगा कि किसी रोड पर उसका घर होगा तो या फिर उसकी दुकान होगी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे पुलिस वाले आ गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो एक गैराज भी है, तो शायद इसके अंदर वो पेंट करेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहुँच गया लेकिन यहाँ पे ये जा ही रहा था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्या, शायद पुलिस वाले को पता चल गया कि हम कार का कलर चेंज करवाने वाले हैं, इस वजह से मैं वो कार लेके नहीं आया। और फटाफट से हमें भागना हुआ क्योंकि फ्रेंड्स पुलिस वाले ने यहाँ पे रेड मार दिए अचानक ही, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वो जो बंदा है वो हमारे पीछे आके बैठ चुका है हमारी गाड़ी में। और फ्रेंड्स, यहाँ देखो पुलिस वाले रास्ता ब्लॉक करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने देने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से मैं गाड़ी भगाऊंगा और फ्रेंड्स जितने भी इनका एरिया मतलब जो भी आएगी गाड़ी उनको पीछा छोड़ना है ताकि पुलिस वाले हमारा पीछा ना करें, और या फिर हम किसी जगह में छुप जाएंगे ताकि कुछ देर बाद पुलिस आराम से चल जाए, मामला शांत हो जाएगा, फिर हम आगे जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बोनट उखड़ने वाला ही था लेकिन मैं बच गया,
बोनट नहीं उखड़ा या फिर उखड़ भी जाता तो कुछ नहीं होते, हमारी गाड़ी थोड़ी फटने के कगार पे ज़्यादा ही आ जाती या बंद पड़ जाती, क्योंकि फ्रेंड्स बारिश आने वाली ही है और बारिश अगर इंजन में जाएगा तो फ्रेंड्स थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बिल्कुल हाईवे पे आ गया हूँ, हाईवे के नीचे हूँ या हाईवे के साइड में हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इसके नीचे जो भी पार्क है, इस पार्क से लेके चलते हैं जितने बंदे, सबको उड़ाने की कोशिश तो मैं कर रहा था, लेकिन सोचा क्या खामा खाई ये मर जाएंगे, ये हमारा मैटर नहीं है और पुलिस और पीछे पड़ जाएगी, तो मैं आराम से किसी जगह पर लेके चलता हूँ ताकि पुलिस वाले आराम से चले जाएँ। और यहाँ पार्क के पीछे से लिया है और फ्रेंड्स लग रहा है कि पुलिस वालों ने हमारा पीछा छोड़ दिया है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इसको इसके जो भी सर्विस है, मतलब इस एक जगह तो रेड पड़ गई लेकिन इसकी दुकान दूसरी जगह भी थी, वहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। और फ्रेंड्स यही वो जगह है जहाँ पे इसकी दूसरी कार पेंट शॉप है, तो यहाँ पे हम मैंने इसे छोड़ दिया और ये देख सकते हो ये है इसका पेंट शॉप। तो अब हमें जाना है अपनी PMP 600 लेके आनी है और उसको पेंट करना है ताकि किसी को पता ना चले, तो फटाफट से PMP 600 लेके आता हूँ मैं। और फ्रेंड्स वो PMP 600 का रेड कलर ही मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, अगर वाइट होता तो और भी मज़ा आता, लेकिन फ्रेंड्स ये कह रहा है इसके पास कुछ पेंट ही अवेलेबल है जो कि ये करके दे सकता है, तो हमें उन्हीं में से कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक कि हमें जो इसकी दुकान थी जिस पर रेड मार दिया है पुलिस वालों ने, उस दुकान को दोबारा से वो वापस अपने कब्जे में नहीं ले लेता, तो फ्रेंड्स हमें इसी का मतलब जो कलर उसके पास होगा उसी को हमें चलाना होगा। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, कम से कम कार तो हमारे पास रहेगी, कोई से उसी में से अच्छा सा पेंट देख लेंगे जो कि हमारे कार पे ठीक ठाक ही लगे, तो हमें दोबारा से वहीं पे जाना। और फ्रेंड्स मैंने उसका जगह भूल गया हूँ तो गूगल मैप पे मेरे को देखना होगा, उससे पहले थोड़ा ये अननोन नंबर से कॉल आया है, इससे बात कर लेते हैं क्या कह रहा है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसके अंदर जो गूगल वाला मैप है, इसके अंदर देखना ये साउंड भी करेगा बिल्कुल, मैंने एकदम मस्त गाड़ी चुन के लिया ताकि इसके अंदर जो जो मैं चाहता था वो हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो बिल्कुल मैंने मार्क लगा दिया, अब देखना फ्रेंड्स इसकी साउंड, जो गूगल होता है ना वो बोलेगा बिल्कुल कि आपको लेफ्ट जाना है राइट जाना है, ऐसी कार मैं चाहता था। और फ्रेंड्स ऐसी ही रॉयल कार मेरे को मिल गई है, तो मेरे को लगवाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इसके अंदर पहले से ही है। तो यहाँ पे हम पहुँचने वाले ही हैं क्योंकि मैं ज़्यादा आगे निकल गया था, इस वजह से थोड़ी सी गलती हो गई थी जिसके बाद हम वापस से वहीं पे पहुँचने वाले हैं। और फ्रेंड्स जो मेरी दूसरी कार है, मैं सोच रहा था उसका भी कलर चेंज करवा ले, लेकिन अभी नहीं, बाद में कराएंगे, अभी के लिए तो वही कलर ठीक है, उसको कोई पुलिस वाले ले जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस हम पकड़ ना जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपनी जो कार है उसको पेंट शॉप से बाहर लिया है, बिल्कुल पेंट ही पेंट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर करवा लिया है अपनी कार में, यही क्योंकि मेरे को ज़्यादा बेटर लगी, तो या फिर मेरे दूसरा कलर अगर मेरे पास इसके पास होता तो हम वो करवा लेते, लेकिन दूसरा था नहीं इसके पास, अजीबोगरीब कलर थे। इसकी दुकान जो है ये नई नई खोलना चाहता था, इस वजह से अभी ये जो सामान था वो अभी पूरे अच्छी तरीके से लेके नहीं आया था, इस वजह से इसके पास कम पेंट थे। और जो इसकी पुरानी दुकान थी उसे तो आप जान ही सकते हो पुलिस वालों ने हथिया लिया है, तो थोड़े टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपनी कार को ले जाके अपने घर के आगे बिल्कुल पार्क कर दूंगा, थोड़ा अमीरों का घर लगना चाहिए। और फ्रेंड्स आप बताना अगली वीडियो मैं क्या करूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर मारना, और फ्रेंड्स आप बताना कौन सा कलर इस गाड़ी पे ज़्यादा अच्छा होगा, तो कलर आपको बताने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, हाँ ऐसा ही कह सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी ये गली सी है इसके अंदर से लेके चलते हैं, हमारी गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो जाएगी लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम गाड़ी को बिल्कुल तेज़ भगा लेते हैं इस कचड़ों में से। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी बोतल वगैरह पोट रखे मेरी कार पंचर ना हो जाए, तो यहाँ पे मैं संभाल के ले आया, गड्डी तो पंचर नहीं हुई, बस हमें पार करना है बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पे मैं आ गया और फ्रेंड्स देख सकते हो रोमन की कार यहीं पे लगी हुई है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले आया था तो इसको वापस ही लगा दिया था, आपको भी पता ही होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।